वैक्सीन स्ट्रेटजी के बारे में मैंने डायरेक्टली प्रधानमंत्री को बोला कि अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे, एक वेव नहीं आएगी, दो वेव नहीं आएगी, तीन वेव नहीं आएगी, चार वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अब स्थिति क्या है, कुछ ही समय पहले मैंने देखा फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया, आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है, हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है, आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे, दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे हैं, बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट, अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया, वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी,